नमस्कार प्रणाम, मैं काजल राघवानी और आज मैं डब करने जा रही हूँ। हमारी फिल्म एक आई है काशी विश्वनाथ, और ये हमने शूट करी थी साउथ में यानम करके एक प्लेस से, बहुत ही प्यारा जगह है। सो हमने वहाँ शूट करी है और आज उसका डबिंग करने आई हूँ। सो बस किरदार में बताना चाहेंगे? है चुलबुली सी लड़की है और बस हमेशा फुदकती रहती है एंड हीरो के ऊपर एकदम हावी बन के रहती है। सो बहुत अच्छी स्टोरी है और पूरा तो जब मूवी रिलीज़ होगा, ट्रेलर आएगा, मे बी शायद होली में ट्रेलर रिलीज़ करने के लिए प्लान है। सो बस तब देखने मिल जाएगा। तो इसमें जो आपका किरदार है और रियल में जो आप हैं, कितना डिफरेंट है? कितना हावी रहते हैं आप रियल में? मेरा कोई कैरेक्टर, मतलब ऐसे कोई किसी फिल्म में मैच ही नहीं करता मेरा कैरेक्टर। कभी मैं शांत भी रहती हूँ, कभी ऐसे बहुत मस्ती भी करती हूँ, तो पता नहीं मुझे। रियल लाइफ में किसके ऊपर ज़्यादा आपका दबाव रहता है? रियल लाइफ में किसी पे भी नहीं। मम्मी कहाँ पे? हाँ मम्मी इतना दबाव नहीं करती, फ्री छोड़ती है मम्मा, बट ऑब्वियसली सब पेरेंट्स के तो होते ही है दबाव। दबाव नहीं बट मम्मा फ्री छोड़ी है कि हाँ बेटा जो करना है करो, लेकिन अच्छे से रहो, बस सारी चीज़ हैप्पी रहो। जी, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? फिल्म का डायरेक्टर है सुब्बा जी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं दिनेश जी के साथ, अमरपाली जी के साथ, खेसारी जी के साथ में भी करी है एंड काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। और इस बार मुझे भी मौका मिला और फर्स्ट टाइम मेरा और रितेश जी का पैर साथ में आने वाला है। सो एक्साइटेड है, न्यू पैर हमारे ऑडियंस को मिलेगी एंड मूवी भी बहुत अच्छी बनी है, देखते हैं। जी, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन की बात की जाए जो है रितेश जी की, तो क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बस हम लोग शूट ही करते थे। हम लाइक कभी ऐसे बातें नहीं होती थी, वो अपने वर्क में बिजी रहते थे, मैं अपने वर्क में, और हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो इतना हम घुले मिले भी नहीं है, तो है एज अ फ्रेंड, लाइक फ्रेंड है, ठीक है। उनके कई गाने आने आते रहते हैं नहीं? यस ऑफ कोर्स, वो सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, लाइक पवन जी से हुबहू थोड़ा बहुत मिलते भी हैं, अच्छे सिंगर हैं और अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो भगवान करे और आगे बढ़े और हमारे जैसे 3 स्टार हैं तो उसमें 4 स्टार वो भी बन जाए, बस यही दुआ रहेगी और बस तरक्की करते रहे। कितने गाने सुने थे आप उनसे? नहीं गाने मैंने नहीं सुने हैं, जैसे अभी तो कोई एक गाना जो हिट हुआ है गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल, वो सो अच्छा लगता है सुनने में। और उनका कोई और भी एक सॉन्ग चंदा वाला समथिंग, हाँ वो एक सॉन्ग हुआ था, मुझे दो ही याद है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ। सो अच्छे हैं। सुबह राव जी की बात की जाए तो बहुत ही रिलेटेड करते हैं। नहीं ठीक है, मस्ती कर रही हूँ, ऐसे हम सेट पे बहुत मस्ती करते थे, मैं उन पे बहुत दबाव डालती थी सेट पे एंड ऐसे उनको हमेशा मतलब गुस्से में ही ट्रीट करती थी मैं, बिकॉज वो मुझे बहुत बिठा के रखते थे सेट पे, सो इसलिए। और जब काम नहीं होता है और बिना काम के सेट पे बैठना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से, बट अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने और बहुत अच्छे से वर्क हुआ हमारा, होप सो लेट्स सी क्या होता है। जी, काशी विश्वनाथ के लेके दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है और फर्स्ट टाइम हमारी पेयर साथ में आ रही है, सो विश करिए हमें और ब्लेसिंग्स दीजिए एंड बस आप जैसे हमें खेसारी जी को, दिनेश जी को, पवन जी की सारे जोड़ियों को हमें आपने हमें प्यार दिया है, सो ऐसे ही इस जोड़ी को भी प्यार दीजिए और बस हमेशा खुश रहिए। अभी आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है कुली नंबर, उनका कहना है? जी कुली नंबर 1 मेरे लिए खास फिल्म है बिकॉज क्योंकि उसमें कुली नंबर लाइक कुली जो होता है वो सामान ही उठाता हमेशा, लेकिन इसमें है कि हम बुज़ुर्ग लोगों का जो हमारा कुली बनाया है खेसारी जी, तो वो एक बुज़ुर्गों की हेल्प करते हैं एंड क्योंकि जो माँ बाप हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो उनको घर में रख नहीं सकते, कोई बीवी का कारण होता है कि बीवी की वजह से टॉर्चर होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नए जनरेशन के बच्चे होते हैं जो माँ बाप को नहीं रख सकते लेकिन गर्लफ्रेंड चाहिए तो बीवी चाहिए, तो ऐसा सारा चीज़ें हैं, तो उसके एक कुछ अलग सा स्टोरी लेके आए हैं और जो कि आजकल में होता भी है और लोगों को पसंद आएगा।
आप और खेसारी जी की बात कीजिए, जितनी फिल्में आती हैं अलग किरदार होता है और कहीं ना कहीं ट्विस्ट भी होता है, दर्शक का इंतजार रहता है बेसब्री से। एक्चुअली क्योंकि देखिए रेगुलर फिल्में बहुत ऐसी होती हैं जिसमें से मारधाड़ एक्शन और लव स्टोरी सेम सारी चीज़ें होती हैं। हम भी लोग हमारी पैर को पसंद करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी सेम स्टोरीज नहीं आए, एटलीस्ट हम लोग कभी लव स्टोरी में आए, कभी कुछ आए, कभी कुछ आए, लेकिन अलग अलग स्टोरीज में आए ताकि सबको एक जैसा ना लगे। रोमांटिक सीन्स होते हैं लेकिन रोमांस भी हमारा अलग अलग दिखाई देता है, तरीके से दिखाई देता है। सो कभी वाइफ हस्बैंड बने हैं तो कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं तो कभी कुछ ना कुछ, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आए ताकि सब लोग को पसंद भी आए, कोई बोर भी ना हो और न्यू कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं। कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आने वाला है जहन में कि जिसमें आप विलेन रहे वो हीरो रहे और आप उनको सुलाई करें? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं, मैं विलेन तो नहीं बन सकती, बट विलेन बन भी जाऊंगी तो लास्ट में प्यार तो करने ही लगूंगी। सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। फिलहाल हम लोग एक मूवी शूट करे हैं बागी, जो कि बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और कुछ पोर्शंस बाकी है जो हम बॉम्बे में शूट करेंगे, एंड वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। आप सबको जी होली आ रही है, होली की बात की जाए तो कितना होली मैं तो नहीं खेलती हूँ, बट मेरी तरफ से सारे दर्शकों को मैं होली विश ज़रूर करती हूँ और हमेशा अच्छे से होली खेलिए और हमेशा से यही कहती हूँ कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी को एलर्जी हो कलर से तो उसको ज़बरदस्ती कभी रंग नहीं लगाना चाहिए, इन्फेक्शन हो जाए या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। खेलिए, प्रेम से खेलिए और ये भांग वांग पी के ज़्यादा मत उलट पुलट करिएगा। तो बस एंजॉय करिए और सबको अच्छे से एंजॉय करवाइए। होली से जुड़ी कुछ यादें ताज़ा करने और बचपन से लेकर अब तक की जो होली गाँव? नहीं एक्चुअली मैंने ज़्यादा होली नहीं खेली है और मैं एक्चुअली एनिमल लवर हूँ तो इस वजह से मेरे घर में दिवाली भी हम नहीं मनाते, दिए जलते हैं बट दिवाली फटाके और सारी चीज़ें नहीं फूटते बिकॉज पेट्स बहुत डरते हैं एनिमल्स, तो होली के भी कलर से जो सारे फिर भूत वूत बन के आ जाते हैं तो उसमें भी डरते हैं तो हम नहीं खेलते हैं, बट लोगों को देखते हैं एंजॉय करते हैं तो खुश होते हैं। तो कभी भूत बन के डराया होली में कलर लगा के? नहीं हम नहीं खेला, छोटी छोटी थी शायद मे भी 8 साल के अंदर ही जो भी है खेला है, अदरवाइज उसके बाद नहीं खेला मैंने। होली में फेवरेट पकवान आपका क्या है? नहीं ऐसे कोई पकवान नहीं बनते हमारे यहाँ पे, ऐसे कुछ इतना वो नहीं होता है, बस ऐसे होली की पूजा होती है और रेगुलर खाना खाते हैं, हमें इतना वो हमारे घर में किसी को इतना हैबिट नहीं है कि ये नया बनना, लेकिन हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामी और सब लोग रहते हैं आसपास, नानी और सब लोग, तो वो लोग भेजते हैं जो भी बनाते हैं तो हम लोग बच जाते हैं बनाने से। सो मेरी माँ भी बच जाती है बट वही खा के टेस्ट अच्छा लगता है तो वही खाते हैं। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे काशी विश्वनाथ को लेकर के? काशी विश्वनाथ बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, आप सब ज़रूर देखें और 2-3 दिन में मे भी शायद होली के बाद उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो जाएगा और आप प्यार दीजिए बहुत सारा जैसे सारे फिल्मों को देते हैं, सो इसको भी दीजिए और बस थैंक यू।